महादेव एक बार पुनः विचार कर ले। ये घटनाक्रम तीनों लोकों की धुरी को सदा के लिए बदल देगा। नारायण के दशावतार और उनकी लीलाओं में वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर उनके सुख और दुख का स्वयं अनुभव करते हैं। परंतु महादेव आप तो वो हैं जिन्होंने कभी जन्म ही नहीं लिया, जिसका रंग रूप विचार दशा दिशा सब कुछ स्थिर है। पार्वती की जीवात्मा पर एक आवरण है, अहंकार का आवरण, इसलिए उसके चित्त की सीमाएं मेरे सनातन स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ है। दूसरी ओर माता अनुसुईया का संकल्प है, हम तीनों को पुत्र रूप में पाने का उनका तप, हम उससे बन चुके हैं। इन दोनों घटनाओं का गंतव्य एक ही है, जो किसी और की नहीं अपितु शिव और पार्वती की परीक्षा है, पुरुष और प्रकृति का संघर्ष है। भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही माता। स्वीकार। हम वस्तु और पदार्थों का संग्रह नहीं करते हैं, दिगंबर परंपरा के लोग हैं हम। हमारी शर्तों के साथ हमें भोजन कराइए, प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। आप आदेश करें, यथाशक्ति मैं आपको संतुष्ट करके ही यहां से विदा करूंगी। अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूं। पुनः विचार कर ले देवी, शर्त पूरी होने पर ही हम भोजन करेंगे। आप जैसे महान ऋषियों की सेवा का अवसर मैं खोना नहीं चाहती। आप निश्चिंत रहिए, अंदर आइए, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूं। ऋषिगण,
भोजन तैयार है, पधारिए। ये तुमने कैसी शर्त रखी पार्वती? माता तुल्य पूजनीय देवी से निर्वाण भिक्षा। भोजन तैयार है ऋषिवर, पधारिए। देवी, आपने हमें वचन दिया था हम भोजन तभी करेंगे जब आप हमारी शर्त मान लेंगी। आदेश करें। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। निर्वाण भिक्षा अर्थात निर्वस्त्र होकर देने वाली भिक्षा। मेरे महादेव मुझसे निर्वाण भिक्षा मांग रहे। त्रिदेव स्वयं ऐसा चाहते हैं। प्रभु, आपकी लीला को समझने में हम मनुष्य असमर्थ हैं। महासती के रूप में जो कुछ भी तप से भक्ति से मैंने पाया है मैं उसे साक्षी मानकर निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ। पधारिए। मैं निर्वाण भिक्षा के लिए तैयार हूँ। दूंगी मैं निर्वाण भिक्षा। पधारिए। मैंने जो कहा उस वचन को अवश्य पूरा करूंगी। अपनी लाज की मर्यादा में रहते हुए ये महासती अनुसुईया का आश्रम है जहां से कोई भी याचक भूखा नहीं लौटता।
यदि मैं मन वचन और कर्म से पतिव्रता हूं और सदा पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो आप त्रिदेव तत्काल प्रभाव से अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए, अबोध शिशु बन जाए और सती अनुसुया की और सती अनुसुया की लाज लाज वचन की और वचन की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ये परीक्षा भी मेरे उद्धार के लिए थी ना, मेरे पुत्र बनकर आपने मेरे बांझपन को समाप्त कर दिया महादेव। मैं कैसे आपके इस बाल रूप का आभार व्यक्त करूं महादेव। अर्चना अभिषेक मंत्रोच्चार